हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में आपने मैक्स को देखा खेलते हुए, और खेलने के बाद जो है वो आके किस प्रकार से बाथरूम में बैठ गए हैं। तो आज देखिए मैक्स को जो स्नान कराया जा रहा है, तो पूरी वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैक्स की वीडियो आपको कैसी लगी। और ये बात बताना चाहता हूँ कि इसके पोर जो होते हैं बहुत घने होते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा पानी जो है इसमें ज़्यादा डालना पड़ती है। इसके बाद फिर आप शैम्पू अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छी तरह से इसको बॉडी वॉश हो सकेगी, अन्यथा ये जो है जो जितना भी बैक्टीरिया रहेंगे तो बॉडी में रह ही जाएंगे और इससे इचिंग भी होने लगेंगे। तो जितने भी डॉग लवर होंगे उन्हें तो शायद पता होगा, और जो नए हैं उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप अपने डॉग को जो है ऐसे नहलाएं। और इसे ठंड की भी समय है तो ठंड में ज़्यादा ना ही के बराबर नहलाएं, क्योंकि ऐसे मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं नहलाया था। एक स्प्रे कोट के लिए स्प्रे एक आता है वो यूज करते हैं इसके लिए बराबर। तो आज धूप थोड़ा अच्छी भी निकली थी और मोटर डायरेक्ट चली हुई नल से, तो हल्का गुनगुना पानी भी आ रही है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा ठंड ना लगेगी। जल्द से ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर कोट अप्लाई करेंगे शैम्पू की, और अच्छे से इसको नहला के जो है फिर प्रेस किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और बताएं कमेंट में कि आप अपने डॉगों को किस प्रकार से स्नान कराते हैं। ये शैम्पू मैक्स के लिए है। तो ऐसे तो सभी डॉग्स के लिए अलग अलग शैम्पू सेट करते हैं, तो आपको पता होगा, आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सा शैम्पू किस हिसाब से आप डॉग सूट करता है। बार बार शैम्पू को ना बदलें, इससे क्या होती है ना बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कभी इसे सूट करें ना भी करें, एलर्जी स्किन एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी इसके सूट करें वही शैम्पू यूज करें, बार बार ब्रांड के नाम पे जो है अलग अलग शैम्पू का यूज ना करें। और इससे इसके बहुत गुड हैबिट है कि ये स्नान जो है बहुत प्यार से करता है, कभी भी स्नान करने में बदमाशी नहीं करता है, खुद इसे स्नान करना अच्छा लगता है। जो आपने अंत तक देखा दोस्तों, इसलिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।